ways to multiply and divide. Page number 172, Shantaram, a special cook. Shantaram, a special cook, who comes only on party days. Last year, he was called for only 28 days. For each day, he has to be paid 165 rupees. Find out how much money he will get in all. शांताराम एक स्पेशल कुक है और इसको पार्टी के दिनों में बुलाया जाता है. लास्ट ईयर यह 28 डेज इसने काम किया, तो इसकी सैलरी निकालनी है कि टोटल इसे 28 डेज में इसने कितना अर्न किया. वन डे का सैलरी दिया हुआ है 165, तो इसकी वन डे की सैलरी है 165 रुपीज़. और नंबर ऑफ डेज इसने वर्क किया 28 डेज, तो टोटल मनी इसे कितना मिलेगा. 28 से 165 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा. शांताराम्स वेजेस फॉर वन डे इज गिवन 165 रुपीज. एक दिन की सैलरी उसकी दी हुई है 165 रुपीज एंड नंबर ऑफ डेज ही वर्क 28 डेज, और 28 डेज उसने काम किया है. देन हाउ मच मनी ही विल गेट फॉर 28 डेज, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 165 मल्टीप्लाई बाई 28. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4620 रुपीज आएगा. इसको कॉलम मेथड में यहाँ देखेंगे. कॉलम मेथड में हमने किया है 8 5 40 का जीरो लिखा, 4 कैरी किया, 8 6 48 और प्लस 4 52, यहाँ पर 2 लिखा हमने और 5 कैरी किया. फिर 8 1 8 में प्लस फिर 5 करेंगे जो कैरी किया है, तो आएगा 13, यहाँ पर हमने 13 लिखा. ओके, फिर क्या करेंगे, 10 यहाँ पर ऐसे ही लिखना है और फिर 2 5 10 0 1 कैरी किया, 2 6 12 प्लस 1 13 का 3 लिखा और 1 कैरी किया और 2 1 2 और प्लस 1 3 यहाँ 3 लिखा और उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 6 एंड 1 प्लस 4 3 4. यानी शांताराम गॉट 4620 रुपीज फॉर 28 डेज. इफ ही इज कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट. यदि उसे पूरे साल बुलाया जाए तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी. तो वन ईयर में 365 डेज होते हैं, तो वन डे की सैलरी है उसकी 165 रुपीज़. तो 165 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पूरे साल की ये सैलरी आएगी. ओके, इसको हम लोग देखते हैं. यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, देखिए 165 को 365 से मल्टीप्लाई किया. एक बार 165 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 लिखा, 2 कैरी किया, 5 6 30 या प्लस 2 32, तो यहाँ 2 लिखा, 3 कैरी किया, फिर 5 5 और 3 8, इसका हो गया ये क्लियर. उसके बाद फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 को, तो यहाँ पर 0 लिखा, 6 5 30, 0 3 कैरी किया, 6 6 36, 36 प्लस 3 39, 39 हुआ प्लस किया तो 9 लिखा, 3 कैरी, 9 लिखा, 3 कैरी किया, फिर 6 1 6 और 6 प्लस 3 9, ये भी हो गया. अब थर्ड में करेंगे 300 से मल्टीप्लाई 165 को, तो यहाँ पर 2 0, 300 का 2 0 को यहाँ हम 2 0 लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 165 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, और सारे को प्लस करेंगे, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 5 22, 2 कैरी किया, 9 9 18 और प्लस 2 20, 0 लिखा, 2 कैरी किया और 2 और प्लस 4 6, तो 101 ईयर की सैलरी हो जाएगा उस शांताराम का 60,225 रुपीज़, इसकी 1 ईयर की सैलरी हो जाएगी. नाउ फाइंड द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर. एक ईयर की सैलरी निकालनी है मिनिस्टर की और हॉर्स राइडर की. तो एक दिन की सैलरी है मिनिस्टर की 195 रुपीज़ और एक दिन की सैलरी है हॉर्स राइडर की 76 रुपीज़, वो गिवेन है. तो 1 ईयर की सैलरी निकालनी है, तो जो मिनिस्टर की सैलरी एक दिन की है 195, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज से, तो उसकी 1 ईयर की सैलरी आ जाएगी.
और जो हॉर्स राइडर की सैलरी है 76 रुपीज़ पर डे, तो उसको भी 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर की सैलरी उसकी आएगी। मिनिस्टर की सैलरी है 1 डे की 195 रुपीज़, उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹71,175। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, 365 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी किया, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, 4 कैरी किया, 5 1 ज़ा 5 और प्लस 4 9, ओके, फिर 1 0 6 है, 6 5 ज़ा 30, 3 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 3 57, 7 लिखा, 5 कैरी किया, और 6 1 ज़ा 6 और 5 11, ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 0 प्लेस करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी किया, 3 9 ज़ा 27 एंड 1 28, 2 कैरी किया, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 5, इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 7 एंड 7 एंड 5, 12 12 प्लस 9 21, 2 कैरी किया, 5 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी किया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 71,165 रुपीज़ 1 ईयर की सैलरी हो गई मिनिस्टर की। ओके, अब हॉर्स राइडर की सैलरी निकालनी है 1 ईयर की, तो एक दिन की सैलरी है उसकी 76 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो यहाँ पर 365 डेज़ है, वो 3 डिजिट नंबर है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 76, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 6 5 ज़ा 30, 3 6 6 ज़ा 36 और प्लस 3 39, 9 लिखा, 3 कैरी किया, 6 3 ज़ा 18, 18 और प्लस 3 21, फिर 0 प्लेस करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी किया, 7 6 ज़ा 42, 42 और प्लस 3 45, 4 कैरी किया, 7 3 ज़ा 21 और प्लस 4 25, अब इसको ऐड करेंगे, 0 9 5 14, 1 कैरी किया, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 7 2, तो इसकी सैलरी हो जाएगा ही 27,740 रुपीज़, हॉर्स राइडर की सैलरी हो जाएगी। क्लियर? ईयर्स एंड ईयर्स, सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ? एवरी डे, प्रत्येक दिन 8 ग्लास वाटर पीता है सोहन, तो 1 मंथ में कितना पिएगा? तो 1 मंथ में 30 डेज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, यानी 240 ग्लासेस ऑफ वाटर ही विल ड्रिंक इन 1 मंथ। अब दूसरा है, हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर? तो 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, तो यहाँ 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 1 ईयर का निकल जाएगा। ओके, उसके बाद है, इफ़ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, हाउ मच वाटर विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर? तो 125 पीपल कॉलोनी में है और एक दिन में वो 8 ग्लास पीते हैं, तो टोटल 125 पीपल एक दिन में टोटल कितने ग्लासेस पियेंगे? तो 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक दिन का आया, कि इतने लोग एक दिन में इतना ग्लास पानी पीते हैं, तो 1 साल में निकालना है, तो जो आंसर आया है 1 डे का, उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है कि 1 मंथ में कितना हो जाएगा, इतना ग्लास, 1 ईयर में 365 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इतना ग्लास आया है, ठीक है। 125 पीपल विल ड्रिंक 1000 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, सो इन 365 डेज दे विल ड्रिंक इतना ग्लासेस। ओके, यहाँ पर 365 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 5 ज़ा 44, 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 52 5, और 8 3 3 ज़ा 24 एंड 5 29, आ गया ग्लासेस। और लास्ट क्वेश्चन है
कि कैन यू गेस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर यूज इन अ डे इन योर कॉलोनी. तो हमने सपोज किया कि मेरे कॉलोनी में लोग 400 पीपल हैं और 400 पीपल एक दिन में 8 ग्लासेस पीते हैं. वन पीपल पीता है 8 ग्लास, तो 400 पीपल विल ड्रिंक 33,200 ग्लासेस ऑफ वाटर. इफ सुहास हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर? सुहा का हार्ट बीट 72 टाइम्स है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में उसका हार्ट बीट कितना टाइम्स होगा? तो 1 आवर में कितने होते हैं मिनट्स? 60 मिनट्स. तो 72 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ देखिए, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू 72 टाइम्स. सो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 आवर, 1 आवर को हम कह सकते हैं 60 मिनट्स. तो 72 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,320 टाइम्स हार्ट बीट्स. यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 72 एंड 60, 0 0, फिर 1 0 देंगे, 6 2 12, 72 और 60, 0 0, 6 2 12, 1 कैरी किया, 6 7 42 और प्लस 1 43, 0 2 3 4 आ गया इतना. ओके, इसका आंसर आ गया. नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे. तो उसके बाद हमको 1 डे में फाइंड आउट करना है कि कितना हार्ट बीट उसका होगा. 1 डे में कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 डे और 24 आवर्स इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 आवर का निकल गया है, 60 मिनट. 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 1 आवर का निकल गया. तो 24 आवर्स का क्या हो जाएगा? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने हार्ट बीट्स आएंगे. उसके बाद हमें निकालना है वीक में, आप अपना हार्ट बीट निकालिए कि 1 वीक में कितना टाइम्स होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स. तो मान लीजिए कि मेरा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम्स है, तो 1 वीक में कितने होते हैं? 7 डेज. तो 77 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले हमको 1 डेज का लेना होगा. तो 1 डेज का है, 1 डे का है हार्ट बीट्स इतना, 1,03,680. तो 1 डे के हार्ट बीट को हमको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे करना पड़ेगा, तो इतना टाइम्स आएगा. ओके, यहाँ पर हम 24 से मल्टीप्लाई करके हम दिखाते हैं. 4,320 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 4 को 0 से किया 0, 4 2 8, 4 3 12, 1 कैरी किया, 4 4 16 प्लस 1 17, फिर 2 से 1 0 यहाँ प्लेस करेंगे. 2 को 0 से किया था 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 प्लस कीजिए, 0 8 6 13 1 8 प्लस 1 9 और प्लस 10 आ गया, इतना आ गया. ठीक है, और जब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टाइम्स आएगा. सेम इसी मेथड से हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. और हम सी करेंगे, अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क विल ही ड्रिंक इन 2 ईयर्स? एक बेबी एलिफेंट है ये, वो एक दिन में 12 लीटर मिल्क कंज्यूम करता है, पीता है, ड्रिंक करता है 12 लीटर एक दिन में. तो आपको 2 साल में निकालना है कि ये 2 साल में ये कितना मिल्क पिएगा. तो ये तो एक दिन का दिया हुआ है, तो हमको नंबर ऑफ डेज निकालना होगा कि 2 ईयर्स में कितने दिन होते हैं. 1 ईयर में हम लोग जानते हैं 365 डेज होते हैं, तो 2 ईयर्स में हो जाएंगे 730 डेज. तो 730 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर देखिए, 1 ईयर इज इक्वल 365 डेज, 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 730 डेज. मिल्क कंज्यूम्ड बाय बेबी एलिफेंट इन 1 डे इज इक्वल टू 12 लीटर. सो मिल्क कंज्यूम्ड इन 730 डेज, 730 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लीटर आएगा. यहाँ पर हम 730 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 14. जब 730 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आया, फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 730 आएगा. ऐड कीजिए 6 7 8, 8,760 लीटर. ये आ गया आपको 2 साल में इतना ये कंज्यूम करेगा. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है डी, अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे, जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज. फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क, हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 मंथ्स. यहाँ एक दिन का दिया हुआ है तो 8 मंथ्स का हमको निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे, 1 मंथ का निकालेंगे. 1 डे में कंज्यूम करता है जो बेबी व्हेल है 200 लीटर, तो 1 मंथ में कितना करेगा? तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो इतना लीटर यूज़ कर रहा है 1 मंथ में.
तो एक मंथ में उसका 6,000 लीटर है मिल्क, तो 8 मंथ्स में कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 48,000 लीटर मिल्क यूज़ करेगा। और सपोज़ कीजिए कि हमारे यहाँ 2 लीटर आता है एक दिन में, तो 200 लीटर कितने दिन का हो जाएगा मिल्क, हमको हम क्या करेंगे 200 को डिवाइड करेंगे 2 में यानी 100 डेज, यानी 200 लीटर मिल्क हम कंज्यूम करेंगे 100 डेज में, जो कि ये एक दिन में करता है बेबी व्हेल। क्लियर?